हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। मैं हूं आप लोगों का निशांत भैया और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी SQL की कंप्लीट प्लेलिस्ट। और आपको पता है कि एक प्लेलिस्ट या फिर किसी भी सब्जेक्ट को और खासकर डेटाबेस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास एक कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए और एक कंप्लीट आपके पास रोड मैप होना चाहिए, जिससे कि आप सारे के सारे टॉपिक्स को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ पाए। तो आज के इस कंप्लीट लेक्चर में हम लोग सिलेबस को और रोड मैप को यहाँ पर कंप्लीट पॉइंट वाइज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि आपको लर्निंग रिसोर्सेज के लिए PDF बुक, कंप्लीट नोट्स और सारी की सारी चीजें आपको कैसे मिलेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर एक कंप्लीट सिलेबस देख रहे हैं, इस सिलेबस में मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट जो हमारी सीरीज होने वाली है, इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट मॉड्यूल 1, उसके बाद आपके लिए यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 2, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर मॉड्यूल नंबर 2, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 3 और फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4, देन उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 एंड मॉड्यूल नंबर 6। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 6 पार्ट में कंप्लीट हमारे SQL के टॉपिक्स को यहाँ पे बांट दिया है। आपको हर एक मॉड्यूल के अंदर जो है एक कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मिलेगी और एक मॉड्यूल में आपको यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स मिलेगी। देखिए, सबसे पहले जरूरी ये होता है कि आप यदि SQL में पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर हर चीज जो है पॉइंट वाइज मिले और एक सिक्वेंस वाइज मिले एक सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले चीजों का ध्यान रखना है, जिसके लिए ये आपको कंप्लीट PDF कैसे मिलेगा और कहाँ पर आपको ये देखना है कंप्लीट, आपको ये डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जो आपको हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसमें आपको सारे के सारे ये चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि आप ये YouTube के अंदर देख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप कंप्लीट ये हमारे इस कोर्स को पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज सारे लेक्चर देखने मिले और आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप और सिलेबस हो। इस तरह से हम लोग डेटाबेस की को देखेंगे, फिर कार्डिनेटिव रिलेशनशिप को देखेंगे और हम लोग इस तरीके से पूरा जो टॉपिक है उसको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज देख रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक बार सिलेबस को ओवरव्यू कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर कंप्लीट मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर इस यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक मैंने पूरे के पूरे फाउंडेशन पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्योंकि आपके लिए जरूरी ये है कि पहले आप डेटाबेस को समझें। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपके लिए डेटाबेस के फंडामेंटल को समझाया है, SQL होता क्या है और कितने टाइप ऑफ डेटाबेस होते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, जिससे कि आगे चल के आपको यहाँ पे कई सारे डाउट्स ना हो। तो आप यहाँ पर यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक पूरे के पूरे थ्योरी और फाउंडेशन पार्ट को देख लेंगे, यहाँ पर आप इंस्टॉलेशन को देख लेंगे तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर को, और उसके बाद यहाँ पर केस स्टडी के थ्रू इन तीनों सॉफ्टवेयर के अंदर आप जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे एक डेटाबेस को और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल को। इस तरह से हमारे जो फाउंडेशन पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, मॉड्यूल नंबर 1 के बाद हम लोग बढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 2 पे। मॉड्यूल नंबर 2 से स्टार्ट होगा हमारा मेन SQL के कमांड्स। तो SQL में आपके लिए पहले होगा DDL कमांड्स, जिसके बारे में मैं भी रोड मैप में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको SQL जो होता है मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, DDL, DML और भी 2 पार्ट्स होते हैं जिसको मैं आगे चलते भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है यूनिट 5 के अंदर DDL कमांड्स देखेंगे, फिर कॉन्स्टेंट देखेंगे, ऑल्टर टेबल देखेंगे, यूनिट 8 के अंदर हम लोग एड, एडिटिंग और डिलीट कॉन्स्टेंट देखेंगे। और ध्यान रखिए ये कंप्लीट जो टॉपिक है ये जब कवर हो जाएगा और पूरा की पूरा आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो कुछ टॉपिक ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, मैं अभी आपको केवल शो कर रहा हूं। आपको ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर और यदि आप YouTube में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, नहीं तो आप इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें जा सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट ये लेक्चर फ्री में मिल जाएंगे और आपको यहाँ पर कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा। सो मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मैंने रखा हुआ है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को सीखने के बाद आपका बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, जैसे कि इंसर्ट क्वारीज, सेलेक्ट क्वारीज, उसके बाद कई सारी क्वारीज हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, अपडेट क्वारी, डिलीट, एग्रीगेशन फंक्शन, स्केलर फंक्शंस, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है तो मेरी वर्कशॉप्स और डाउट सेशन आपके लिए अवेलेबल है जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस सेक्शन को भी मैंने रखा हुआ है, जो फ्री मंथली वर्कशॉप्स होती है उसमें भी आप देख सकते हैं आकर, क्योंकि आप यदि यूट्यूब में भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो, या फिर एप्लीकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा यदि आप इस पर एनरोल हो जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 4 पे, जो होगा SQL जॉइंस और सब क्वारीज। ये यदि आप डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये जो मॉड्यूल्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जहां पर आपको SQL जॉइंस और सब क्वारीज, ग्रुपिंग, शॉर्टिंग और ER डायग्राम स्केच करना, जैसे आप वेब डेवलपमेंट में जाते हैं या आप एक स्कीमा बनाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर कवर हो जाएगी। अब हम लोग मॉड्यूल नंबर 6 पे जाएंगे और मॉड्यूल नंबर 6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा
कि हम लोग यहाँ पर कंप्लीट जो मॉड्यूल में बढ़ेंगे, जो आज मैंने एक रोड मैप बनाया हुआ है कि हम लोग 20 यूनिट्स लगभग लगभग यहाँ पे करेंगे। हो सकता है यूनिट जो है आगे और भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, केवल अभी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट हम लोग कवर करेंगे जब लोग टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। बट यहाँ पे जो मेन फोकस जो प्रोजेक्ट होगा, जिसपे मैं आपको डेटा सेट भी प्रोवाइड करूंगा यदि आप डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट डाला हुआ है, आईपीएल का डेटा सेट है, जिसके अंदर हम लोग टॉप 5 बैट्समैन जो है उसको हम लोग देखेंगे क्वारीज लगा के, जिसमें हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद कई सारे यहाँ पे जो जैसे बैट्समैन है, एमएस धोनी एंड विराट कोहली की परफॉर्मेंस देखेंगे हम लोग आईपीएल के अंदर। और जो भी मेरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट फॉलो कर रहा है, तो मैंने पावर बीआई के अंदर भी एक कंप्लीट डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट का जो एक डैशबोर्ड बना के रखा हुआ है, जो विजुलाइजेशन टूल्स हमारा पावर बीआई, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है पॉइंट वाइज चलेंगे और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे बनाएंगे। देन उसके बाद वेब डेवलपमेंट में आप जाते हैं, तो वेब डेवलपमेंट के लिए मैंने यहाँ पे और प्रोजेक्ट रखा हुआ है, मैं आगे चल के और भी प्रोजेक्ट इस प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो है पाइथन के अंदर कोड लिखेंगे और हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, जिसमें कि आप एक रजिस्ट्रेशन कर सकें, लॉगिन कर सकें पर्टिकुलर, और उसके बाद एक प्रोफाइलिंग को देख सकें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपके लिए एक सिलेबस बना लिया है। इस सिलेबस के साथ साथ मैंने आपके लिए यहाँ पर जो बनाकर रखा हुआ है, वो आपके लिए यहाँ पे एक नोट्स बनाकर रखा हुआ है, और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए जो बनाकर रखा हुआ है एक लर्निंग रिसोर्सेज बना के रखा हुआ है। आप लोग अब मेरे स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने आप लोग को जो प्रोवाइड किया हुआ है, ये आपके लिए मैंने करिकुलम जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। मैं आप लोग को यहाँ पे एक बार शो कर देता हूँ। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे सिलेबस और करिकुलम जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मैं वेबसाइट बता दूंगा, यहाँ पे W3 स्कूल बहुत अच्छी वेबसाइट है, जहां पर आप जाकर SQL के सिंटेक्स को देख सकते हो। यहाँ बहुत सारा जो मेन वेबसाइट की खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत सारा थ्योरी पॉइंट्स नहीं लिखा होता है, केवल काम के सिंटेक्स लिखे होते हैं और वहां पे एक एग्जाम्पल भी दिया होता है, तो ये काफी अच्छी वेबसाइट है। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे चीट शीट या नोट्स दे दूंगा, ये एक्चुअल में 100 से ज्यादा या 200 से ज्यादा यहाँ पे कई सारे आपको नोट्स मिलेंगे, और ये हमेशा हर मंथ टू मंथ जो है चीट शीट या फिर कई बार हमारे पास न्यू चीट शीट आते रहती है, जिसमें हम लोग कई सारे जो फंक्शन है उसके शॉर्टकट मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको सारे के सारा ये कंप्लीट PDF एक हमारा जो ड्राइव है कंप्लीट एक तरफ से लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ पे लीड कोड और SQL का जू जो है ये दोनों वेबसाइट को यूज करेंगे। बुक्स यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस बुक्स बता दूंगा, जिससे कि आप उस रेफरेंस बुक्स को यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन और इंटरव्यू का जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और उसी के साथ ही साथ जो हम लोग यहाँ पे डेटा सेट यूज करेंगे अभी भी और आगे चल के भी, जब मैं इस प्लेलिस्ट को अपडेट करूंगा तब भी, तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर एक ही PDF के अंदर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने IPL का, Amazon का जो हम लोग पावर BI के अंदर किए थे, ये कंप्लीट डेटा सेट यहाँ पर आपको 1x1 जो है प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपकी लर्निंग की जो जर्नी है काफी हेल्पफुल हो जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना ही नहीं हम लोग करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर, हम लोग जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में, अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, और जैसे जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैं यूनिट वाइज आप लोग को यहाँ पे नोट्स दूंगा। जैसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर यूनिट नंबर 3, जब यूनिट नंबर 3 हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 1 की, तो आपको एक यूनिट नंबर 3 का एक नोट्स मिल जाएगा, जिस नोट्स को मैंने खुद बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर केस स्टडी विद एग्जांपल को समझ सके। मैंने यहाँ पर देखिए जो हम लोग यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे, मैं एक एग्जांपल नोट्स आप लोग को दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पे पढ़ने का जो अप्रोच करने का जो तरीका है वो यहाँ पे पता चल जाए, जिससे कि इस नोट्स पे हम लोग जाएंगे और कंप्लीट मैं आपको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे कंप्लीट आपको सिंटेक्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग को कभी भी रिवीजन करने में एक ईआर डायग्राम कैसे बनाते हैं कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का, ये मैंने कंप्लीट एक प्रोग्राम किया हुआ है इसके अंदर जो यूनिट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे। और इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे सिंटेक्स दे दूंगा, जिससे कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सको और आपके पास एक कंप्लीट नोट्स भी बन जाए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिक्वेंस वाइज एक के बाद एक सारे के सारे पॉइंट्स को देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग इस सिलेबस में इस नोट्स को इस स्टडी मटेरियल को देखने से पहले ये देख लेते हैं कि एक SQL को पढ़ने के लिए हमारे पास एक रोड मैप क्या होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रोड मैप को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने मॉड्यूल नंबर 1 से मॉड्यूल नंबर 6 तक यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस बनाया हुआ है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको डिटेल में बताया। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक मैंने यहाँ पे जो कंप्लीट यूनिट है उसमें 4 डिवाइडेड पार्ट में मॉड्यूल नंबर 1 को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। अभी हम लोग यूनिट नंबर 1 देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको यहाँ पे रोड मैप का जो लेक्चर है वो डिस्कस कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पर यूनिट नंबर 1.2, 1.3 और 1.4 के अंदर MySQL, XAMPP सर्वर और PostgreSQL को इंस्टॉल कैसे करना है, ये मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा। इस तरह से यूनिट नंबर 1 होने के बाद मैं यहाँ पर यूनिट नंबर
जो हमारा 2 होगा यूनिट नंबर 2 में, 2.1 लेक्चर और 2.2 लेक्चर के अंदर, और भी हमारे जो डेटाबेस के फंडामेंटल है, हम लोग एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजों पे आपके साथ कंप्लीट एक डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए यदि आप बिगनर है तो। और यूनिट नंबर 2.3 के अंदर आगे चलकर जो अभी मैं आपको लर्निंग मटेरियल दिखा रहा था उसमें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ हूँ, वो वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें सारे के सारे मैं आपको स्टडी मटेरियल पे डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट अभी हम लोग फोकस करते हैं आज के हमारे इस रोड मैप के ऊपर। सो देखिए, यदि आप एक एसक्यूएल को, एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को आप यदि पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पहले ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आप इसे पढ़ क्यों रहे हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर के डेवलपर की फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी ऐप डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, चाहे वो iOS एप्लीकेशन हो, चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, या फिर आप कोई फुल स्टैक वेबसाइट या वेब डेवलपर जो बनना चाहते हैं, तो आपके लिए SQL को आना काफी ज्यादा जरूरी है। या फिर आप एक SQL में एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट एक डेटा को क्लीन करना आना चाहिए, डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर एक कंप्लीट रोड मैप को फॉलो करना चाहिए। तो आप जब मेरी कंप्लीट मॉड्यूल नंबर 1 को देख लेंगे, तो आपको पूरा के पूरा पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा, और आपको यहाँ पर हर पॉइंट जो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं डेटा साइंस के लिए कर रहा हूँ SQL में, या मैं किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए कर रहा हूँ, या डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रोड मैप जो है पहले क्लियर होना चाहिए कि आप SQL को क्यों सीख रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी चीज में भी जाएं और आपको SQL की जरूरत, हमेशा जरूरत पड़नी है, मतलब फाउंडेशन की आपको जरूरत पड़नी है, जो आपको कंप्लीट इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर सीख लेंगे आप। दूसरा चीज आपको ध्यान ये रखना है, या फिर मैं भी जब अपने स्टूडेंट लाइफ में था, तो आपको थ्योरी पॉइंट्स को यहाँ पे जो है कम से कम करना है, प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा लिखना है, कोड ज्यादा से ज्यादा लिखना है, चाहे आपका कोड कितने बार भी फटे, आपको यहाँ पर जो है मेन कोड पे निरंतर लगातार आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहना है। यही एक आपका सक्सेस है किसी भी लैंग्वेज पे आपकी कमांड को पाने का। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रोड मैप पे डिस्कस करेंगे। अब आपको मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट मेरा जो मेन टॉपिक है वो मैं आप लोग को यहाँ पे जो है कवर कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, एक रोड मैप को पढ़ने के लिए या एक SQL को पढ़ने के लिए आपको क्या यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट DML कह लें, या फिर हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं, सेकंड DDL है, या मैं फर्स्ट DDL कह लूँ, या फिर सेकंड मैं इसको DML कह लूँ, वो आपके अकॉर्डिंग है। मेनली मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं एक SQL को, और आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इसी तरीके से SQL को पढ़े, नहीं तो आगे चल के आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सिंटेक्स जो है DDL के लिए, कौन सा सिंटेक्स DML के लिए। DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब आप लोग को ये जो दोनों यूनिट्स है वो कैसे सिलेबस के अंदर मिलेगी वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर कंप्लीट जब मैं इस अपने सिलेबस के अंदर आता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर फंडामेंटल तो पढ़ लेंगे, लेकिन मॉड्यूल नंबर 2 जो मैंने रखा हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पे जो है DDL कमांड्स रखा हुआ है। आपको जो मैंने अभी PPT के अंदर दिखाया, DDL जो है ये पूरा आपके जो टॉपिक्स है मॉड्यूल नंबर 2 में कवर हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हमारे DML की तरफ, वो मैंने कंप्लीट यूनिट नंबर 3 के अंदर रखा हुआ है। इस तरह से मैंने कंप्लीट जो SQL का जो कोर पार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही कंप्लीट सिलेबस को बनाया हुआ है, जिससे कि आगे चल के आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, चाहे यहाँ पर वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहे, या फिर आप यहाँ पर डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाहे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है DML और DDL के जो टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पर देखेंगे। सो इस तरह से हमारे जो मॉड्यूल हैं जिसमें हम लोग DML और DDL को यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ये आपको सबसे पहले मैंडेटरी है आप इन दोनों टॉपिक्स को पहले पढ़ें। तो हम लोग यहाँ पे रोड मैप के अंदर पहले इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद जरूरी क्या होगा हमारे लिए, वो होगा सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट। देखिए, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, या फिर किसी भी स्टूडेंट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पर थ्योरी को कम करना है, और जो भी सिंटैक्स आपको देखना है वो हम लोग आगे चलकर देखेंगे भी, वो आपको एक प्रोजेक्ट वाइज केस स्टडी के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक केस स्टडी ले लेते हैं SQL की, एक्चुअल में SQL होता क्या है। देखिए, SQL को यहाँ पर हम लोग एक डेफिनेशन भी देखते हैं। SQL इज अ डिजाइन फॉर मैनेजिंग डेटा इन ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एंड SQL इज अ डेटाबेस लैंग्वेज, इट इज यूज फॉर डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस का डिलीशन और डेटाबेस की फैचिंग, रो एंड मॉडिफाई एंड एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो देना है रिलेशनल डेटाबेस पे और RDBMS पे। तो आपको SQL को समझने से पहले आपको समझना होगा DBMS को। और मेरी प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट
बिगनर से एडवांस की तरफ जाने वाली है, तो मैं आपको कंप्लीट बेसिक बताते हुए चलूंगा यहाँ पर, जिससे कि आप यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे जो मॉड्यूल नंबर 1 है उसके अंदर यूनिट नंबर 2 जो है कंप्लीट डेडिकेटेड मैंने डीबीएमएस के लिए रखी हुई है। यहाँ पर हम लोग डीबीएमएस को समझेंगे, जिससे कि आपको कंप्लीट 5 टाइप के जो डेटाबेस होते हैं वो आपको समझ में आ जाए, और एसक्यूएल जो है हमारा एक रिलेशनल डेटाबेस है ये क्या होता है ये आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाए, तो आप लोग यहाँ पर एक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि कोई स्कूल था जिसपे पहले यूज किया जा रहा था एक रजिस्टर, या फिर मान लीजिए एक जो अटेंडेंस का एक जो फॉर्म होता है, एक अटेंडेंस की जो फाइल होती है वो यूज किया जा रहा था, बट आज की डेट में जो यूज होता है वो एक कंप्लीट हमारे लिए ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम यूज होता है। इस तरीके से हमारा जो टेक्नोलॉजी है अपडेट हुई है, हमारी जो यूज करने की जो पावर है वो चेंज हुई है, इसी तरीके से हमारा डेटाबेस भी अपडेट हुआ है, लेकिन आपको पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोग ये कंप्लीट देखेंगे यहाँ पर, आप लोगों को पता भी होना चाहिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है, और एसक्यूएल जो होता है वो यहाँ पे एक रिलेशनल डेटाबेस होता है। ये क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, अभी हम लोग रोड मैप पे फोकस करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक जो एग्जांपल मैं आप लोग को दे रहा था स्कूल डेटाबेस का, वो आप लोग यहाँ पर आगे चल के भी देखेंगे, जिसमें मैं अभी आप लोग को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि क्यों एसक्यूएल की जरूरत है इंडस्ट्री के अंदर, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जो अब आप लोग को मैं डेटा दिखा रहा हूँ ये इंडिड जॉब का कंप्लीट डेटा है, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर देखिए ये जो आपको डेटा जो मैं दिखा रहा हूँ 2021 या फिर 2022 की रिपोर्ट का है, ओके, जिसमें आप यहाँ पर एसक्यूएल को देखते हैं और एसक्यूएल की डिमांड को देखते हैं। तो एसक्यूएल यदि आप देखेंगे कहीं भी जाके सर्च करेंगे तो हर जॉब में आपको यहाँ पे एसक्यूएल की डिमांड जो सबसे ज्यादा दिखती है, हर जॉब में आपको यहाँ पर जो है एंट्री लेवल का जॉब खासकर जो है उसके अंदर आपको एसक्यूएल की नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाउट होता है मुझे MongoDB पढ़ना है या फिर मुझे एसक्यूएल पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने यूनिट नंबर 2 पढ़ाया है, जिसके अंदर आपको देखने के बाद पूरा आधे घंटे का लेक्चर देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या पॉइंट्स पहले पढ़ने चाहिए और अलग अलग चीजें होती क्या है, MongoDB क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि एसक्यूएल का जॉब क्यों लिस्टेड है, यदि आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो एक रिपोर्ट है यहाँ पे 2021 की जो भी इंडिट की आप लोग को मैं बता रहा था अभी, जिसमें एसक्यूएल सबसे ज्यादा डिमांडेड है, देन उसके बाद पाइथन डिमांडेड है। इस फील्ड की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट हमारा रिवॉल्यूशन होने वाला है, देखिए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट के बाद जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो डेटा का है, जिसमें आपकी जो नेक्स्ट जॉब है डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर की जॉब है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा जो जॉब या फिर डिमांड है वो सबसे ज्यादा डिमांड है आपकी एसक्यूएल की। तो आपको यहाँ पर डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये नॉलेज आपको होना काफी जरूरी है। तो अब यहाँ पर आप लोग को ये रिलेशनल डेटाबेस समझना होगा, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा रिलेशनल डेटाबेस और NoSQL डेटाबेस, आपको बेसिक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर एसक्यूएल को पढ़ना स्टार्ट करें। यहाँ पर आपको MongoDB जैसे एक एग्जांपल है NoSQL डेटाबेस का, और MySQL जो है एक टूल है जो हमारे एसक्यूएल का यहाँ पे एग्जांपल है, और डेटाबेस कहीं भी आप चले जाएं SQL और NoSQL डेटाबेस दो ही फॉर्मेट में यहाँ पे जो है हमारा डेटाबेस डिवाइडेड होता है। आपको यहाँ पर डेटाबेस को समझने के लिए इस एग्जांपल को मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, डिटेल में हम लोग आगे चल के देखेंगे यहाँ पर कि एक कंप्लीट एक टेबल बना हुआ है SQL के अंदर यहाँ पे, और ये टेबल आप लोग देखिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक एम्प्लॉय ID है, वही एम्प्लॉय ID से मेरा जो दूसरा टेबल है यहाँ पे रिलेट है इसको, और उसी टेबल से मेरा एक और टेबल है यहाँ पर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, वो भी यहाँ पर जो है रिलेट है। तो इस तरीके से हम लोग एक टेबल से दूसरे टेबल का रिलेशन क्रिएट करते हैं, दैट्स व्हाई एसक्यूएल को हम लोग यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कंप्लीट और कंप्लीट जो हमारा डेटाबेस है अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, तो उसके हम लोग यहाँ पे जो कोड लिखते हैं या फिर हम लोग कह लें सिंटेक्स लिखते हैं यहाँ पर इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो है टेबल को मैनेज ना कर पाए। इस तरीके से यहाँ पे कई सारे जो पार्ट्स हैं इसको हम लोग आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको ये सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, और आपको एक रोड मैप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है, और इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक LPA मॉडल प्रोवाइड करे, जिसके लिए हेल्प करता है हमेशा हमारा ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन। LPA मॉडल मतलब ये कि लर्निंग प्रैक्टिसिंग एंड असेसमेंट, मतलब कि एक अच्छा लैक्स पर NM तक का पहुंचने का रास्ता वो होता है हमारा L फॉर लर्निंग, P फॉर प्रैक्टिसिंग, A फॉर असेसमेंट। यदि आप लर्न कर रहे हैं उसके बाद उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद एक आप अच्छी तरीके से टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप यहां पर आगे एक अच्छा प्लेसमेंट, एक अच्छी सैलरी और एक अच्छा जॉब जो है वो पा सकते हैं। तो आपको लर्निंग रिसोर्सेज में केवल और केवल ये लेक्चर नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे ऑल स्टैंडर्ड नोटबुक मिलेगी,
जो मैं आप लोग को इस प्लेलिस्ट के अंदर प्रोवाइड करूंगा। आप लोग को मैं यहाँ पे चीट शीट या फिर इंपॉर्टेंट एसक्यूएल के सिंटेक्स जो है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। और जब भी अपडेट होता है तो यूट्यूब के अंदर इसे अपडेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको फ्री वर्कशॉप भी प्रोवाइड करूंगा, जहां पर आप लाइव डाउट सेशन भी मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके साथ ही साथ जो भी नोट्स अपडेट होगा आपको हमारे जो इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड का जो हमारा मोबाइल एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप इसे जरूर से जरूर इंस्टॉल कर लीजिए इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में बढ़ने से पहले। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंटरव्यू के लिए, बहुत अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं और उसके जो आंसर्स हैं उसके कंप्लीट बैग्स या फिर सिंटेक्स है या प्रोग्राम्स है वो सारे की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वेबसाइट की लिंक और लर्निंग रिसोर्सेज प्रैक्टिसिंग के लिए वो मैं आपको बता दूंगा। मॉड्यूल के मैं आपको यहाँ पे यूनिट वाइज लेक्चर दे दूंगा, जिससे कि आप कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आप एक यहाँ पर रिविजन कर सकें। और मैं आपको यहाँ पर एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जो पूरे के पूरे नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो नोट्स में मैं वर्ड फाइल में या फिर कह लें आप मैं यहाँ पर आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा एक एडिट करने वाली फाइल के फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपको कोई नए पॉइंट्स भी मिलते हैं उसके अंदर तो आप जाकर उसे एडिट कर सकें और एक अपना खुद का नोट्स भी अपडेट कर सकें। इस तरीके से आप यहाँ पे सिक्वेंस वाइज वीडियो लेक्चर देखेंगे जो आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। कभी भी कभी ये अपडेट करना होगा तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में अपडेट करना मुश्किल होगा हमारे लिए, तो हम लोग यहाँ पे फ्री भी आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट डाल देंगे जो यूट्यूब के अंदर आपके लिए अवेलेबल है, जिससे कि आप लोग को यहाँ पे अपडेट लेक्चर भी मिल सके। क्वीज एंड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपको सब चीजें आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी, और एसक्यूएल के कई सारे प्रोजेक्ट गिटहब के कई सारे सोर्सेज भी मैं आप लोग के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग हमारी पूरी जर्नी को जो है हैप्पीफुल बनाएंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पे लर्न करेंगे। अब यहाँ पे आपके जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो हम लोग देख लेते हैं रोड मैप के अंदर, और एक छोटा सा ओपिनियन मैं यहाँ पे आप लोग को दे देता हूँ इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने से पहले। पहला यहाँ पे ये है मेरा ओपिनियन कि आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे इग्नोर करना है थ्योरी को, इसीलिए मैंने यहाँ पे केस स्टडी के अकॉर्डिंग पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ाया हुआ है, और इसके लिए आपको एक से दो स्टैंडर्ड बुक जो है मैं आपको मॉड्यूल में हमारा 2 होने वाला है उसमें 2.3 लेक्चर के अंदर बता दूंगा स्टैंडर्ड बुक आपको कौन से रेफरेंस करना है, या फिर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक रेफरेंस कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए एक से या दो से ज्यादा बुक आपके पास ना हो जिससे कि आप कंफ्यूज ज्यादा ना हो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है लॉट्स ऑफ सिंटेक्स का, आपके लिए कोई यहाँ पे नो शॉर्टकट्स नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा एक अच्छी कमांड लाने के लिए। और आपको यहाँ पे क्रैक करना है एक इंटरव्यू, उसके लिए आपको यहाँ पे मॉक इंटरव्यू जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप यहाँ पे जो इंटरव्यू जो है इसे क्रैक कर सकें। उसके बाद आपका एक मेन्स क्वेश्चन ये है कि क्या सर एसक्यूएल बहुत डिफिकल्ट है, इसे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है ये तो मैं आपको बता ही दूंगा। और मैं आपको बता दूं यदि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज चलते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप थ्योरी को यहाँ पे इग्नोर करते हैं तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बट यदि आप एक सिलेबस वाइज नहीं चलते हैं और आप कहीं से भी कुछ भी जाकर पढ़ते रहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए एसक्यूएल जो है एक कंप्लीट इंडस्ट्री का 70% पार्ट आज भी एसक्यूएल के एक बेस पे चल रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पे एसक्यूएल बिल्कुल भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, पोस्टग्रे के अंदर भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग के लिए आजकल GUI आ चुका है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो चुका है, जिससे कि आप कई सारी चीजों को यहाँ पर एकदम ड्रैग एंड ड्रॉप या क्लिक रिस्पॉन्स बटन के थ्रू आप एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। वो चीजें हम लोग यहाँ पर यूज भी करके देखेंगे, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे कोई एक डाउट होता है कि DBMS का टूल हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करें, मैं PostgreSQL जो है वो यूज करूं, ठीक है, या मैं MySQL यूज करूं, आप लोग का जो डाउट होता है, या फिर आप लोग का कई बार डाउट होता है कि मैं यहाँ पे जैम सर्वर यूज करूँ, तो ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे यूज कर ही रहा हूँ, ओरेकल एक होता है, तो आप लोग को यहाँ पे तीनों चीजों को मैं यूज करूंगा, जिससे कि आप जो है डेटा साइंस की फील्ड में जाएं तो वहां पे कई सारी कंपनी PostgreSQL यूज करती है। जैम सर्वर तो आपको यूज करना ही पड़ेगा यदि आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाते हैं, और MySQL तो हमारा एवरग्रीन यहाँ पे डेटाबेस का टूल्स है ही, तो हम लोग हर चीजों को यहाँ पे देखेंगे। हमारी डिटेल जो हमारी प्लेलिस्ट है काफी डिटेल में होने वाली है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट यूनिट में, जिसमें हम लोग इंस्टॉल करेंगे हमारे जो MySQL सॉफ्टवेयर को, और हम लोग एक एक करके यहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट को यहाँ पर जो है कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर यहाँ पर इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के टीम मेंबर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ, हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।